नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पिछले ही हफ्ते की बात है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सर्वे सामने आता है और उसी इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा पाया जाता है कि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हुई है। पर दोस्तों, यहाँ पर लाइव स्टॉक सेक्टर एज अ होल में अगर आप देखें तो गधों में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है और पाकिस्तान में अब दुनिया में थर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ गधे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा चाइना में पाए जाते हैं। इन सबके बावजूद भी अगर आप देखें तो चाइना पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करवाता है। तो पाकिस्तान में गधों की आबादी बढ़ रही है और चाइना बड़ा खुश है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, चाइनीज इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी गधों में $3 बिलियन की इकोनॉमी भी देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है, आखिरकार चाइना इन गधों का करता क्या है, क्यों चाइना को इतना इंटरेस्ट है गधों में? तो आज की क्लास में इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस एज अ होल की क्या कारण है लाइव स्टॉक सेक्टर एंड पाकिस्तान की इकॉनमी, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, इन सभी टॉपिक को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कहती है वहां पे डोंकी बूम हुआ है एंड चाइना को बहुत ज्यादा इनकी जरूरत है। डोंकी पॉपुलेशन में आप देखें तो 5.7 मिलियन डोंकी पॉपुलेशन पाकिस्तान में आज है और ये थर्ड हाईएस्ट है वर्ल्ड ओवर। तो आइए आज की क्लास में इसी को जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। जल्दी से जाए जाके चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशल क्लास है 4 बजे से 6 बजे, जरूर जुड़े। इसके सिवा अनअकैडमी कोड जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी आप 1 साल या से अधिक की प्लस आइकन है या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के लिए पिछले हफ्ते रिलीज होती है और सर्वे में मेंशन होता है कि जो लाइव स्टॉक है उनमें तेजी से इंक्रीज हुई है एंड इसमें से डोंकी भी हैं जिनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। तो न्यूज में काफी ज्यादा इसको कवर किया गया कि डोंकी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डोंकी का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। पाकिस्तानी इकोनॉमी में डोंकी बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर से नीचे तक जो चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग है सभी को इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको देखने मिल रहा है। तो दोस्तों, आप देखें तो पाकिस्तान में चाइना और इथोपिया के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे की भी बात कर लेते हैं, वहां पे क्या देखने मिला। तो उनके अनुसार जो रियल GDP ग्रोथ है वो 5.97% का ग्रोथ दर देखने मिला है और इकोनॉमी अगर आप देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस ये सब कुछ फेस कर रही है। आप तो जानते ही हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल रिस्क है, डेट बर्डन बहुत ज्यादा हाई है, फॉरेन कंपनी कंट्रीज पर डिपेंडेंस है विद रिस्पेक्ट टू, और नया डेट लेना पड़ रहा है पिछला डेट को फाइनेंस करने के लिए। तो इस प्रकार से चाइना पे भी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। इसके सिवा पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तेजी से डिप्लीट हो रहा है। पर यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग है उनके इकोनॉमिक सर्वे में, और वो क्या है, जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ होल उनके यहाँ हेल्दी ग्रोथ देखने मिला है, 4.4% का ग्रोथ मिलने देखने मिला है एंड इसके पीछे कारण है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो भी आप देखें तो अच्छा खासा 3.3% से ग्रो किए हैं। तो पाकिस्तान में लाइव स्टॉक का बड़ा इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, वहां के प्रधानमंत्री से लेके अन्य लोग कह चुके हैं कि पाकिस्तान में मुर्गी पाल सकते हैं इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और अब गधे भी उसमें जुड़ रहे हैं। तो जो डेट रिडन कंट्री पाकिस्तान है ये काफी ज्यादा लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट्स की तरफ रुख देख रहा है और पाकिस्तान अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लाइव स्टॉक को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसी में अगर आप देखें तो सवाल उठता है, आखिरकार डोंकी में ऐसा क्या दिख गया जो डोंकी पे इतना ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे से लेके इकोनॉमिक थिंक टैंक्स इस पर इतना फोकस कर रहे हैं। तो आइए आपको बताता हूँ क्यों आखिरकार चाइना, जो कि खुद सबसे ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रीडर ऑफ डोंकी है, उसके बावजूद वो क्यों पाकिस्तान के डोंकीज में इंटरेस्ट रखता है। तो दोस्तों, पहला कारण तो क्या है कि सबसे पहले तो आप जानिए कि जो डोंकी हाइड है वो इस्तेमाल किया जाता है जेलेटिन बनाने में, जो कि चाइनीज मेडिसिन में बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है। तो इस वजह से डोंकी हाइड की डिमांड है जो कि चाइनीज मेडिसिन में एज अ जेलेटिन यूज किया जाता है। तो जेलेटिन बनता है और वो चाइनीज मेडिसिन में यूज होता है और वो जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो काफी बड़ा, आप देखें तो इकोनॉमिक फुटप्रिंट उसका बहुत बड़ा है और जैसे जैसे चाइना में प्रॉस्पेरिटी आती जा रही है वैसे वैसे उनके यहाँ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से डोंकी हाइड को बहुत ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसलिए चाइना खुद भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रीडर ऑफ डोंकी है और पाकिस्तान से भी डोंकी इंपोर्ट करवा लेता है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, चाइनीज कंपनी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अन्य अलग अलग इलाकों में आप देखें तो डोंकी फार्म्स बन रहे हैं और उनमें वो $3 बिलियन तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो काफी बड़ा नंबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो डोंकी फार्म एक काफी ज्यादा वहां की इकोनॉमी को मजबूत भी बना सकता है। तो पाकिस्तान
ने कई चाइनीज इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, अलग अलग जगह पे इस प्रकार के डोंकी फार्म्स को भी वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहां पर आने वाले दिनों में इन्वेस्ट भी करेंगे। तो बस यही कारण है दोस्तों, ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज होता है एंड चाइनीज मेडिसिन में इसको अगर आप देखें तो जेलेटिन बना के डोंकी हाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आप अगर देखें तो डोंकीज पाकिस्तान से चाइना एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों अकेडमी मींस मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है, तो अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो एक QR कोड स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन दबाएं और अपने डिटेल्स डालें। आपको मिलेगी 1 month प्लस सब्सक्रिप्शन, लाइव मेंटरशिप विद टॉप एजुकेटर्स, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्लस सब्सक्रिप्शन में 1 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी आप देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे फायदा उठाया है अकेडमी के कोर्सेज का, जिसमें लाइव मेंटरशिप है, एंड टू एंड प्रिपरेशन है, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स है। इसके सिवा आइकनिक बोनांजा है जिसके जरिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट मिलती है, लाइव मेंटरशिप मिलता है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, UPSC टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, ऑप्शनल के लिए भी है, मेन्स के लिए भी है। ऑप्शनल में आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में PSIR, हिस्ट्री, पबैट, ज्योग्राफी, सोशियो, एंथ्रो, मैथमेटिक्स है, तो इनका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, एनरोल नाउ। इसके सिवा GS मेगा कॉम्बैट है इस संडे को, उसका हिस्सा जरूर बने। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 61,075 रुपीज, दिस इज प्लस कॉम्बो जिसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है। आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 78,204 रुपीज, प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ GS की 52,370 रुपीज, प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर GS 71,344 रुपीज की है। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्शनल की भी मिल रही है 27,215 रुपए में, तो इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। 0% EMI पे लोन्स अवेलेबल है, ऑप्शन बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स से इनका फायदा उठाइए, ऑप्शन बैचेस में आप जुड़ सकते हैं, नए UPSC बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका हिस्सा भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग,